अगर मनुष्य अपने चित्त का निरीक्षण कर सके तो वह खुद ही इस निर्णय पर आ सकता है कि जो उसकी तलाश है अपने को किसी बुद्ध पुरुष की शिक्षा के अनुसार ढाल लेने की, उसमें वह कहां तक सफल रहा है और कहां कमी है। उस कमी को दूर करने का प्रयास भी किया जा सकता है। तलाश सभी को है, क्योंकि कहीं न कहीं खालीपन मनुष्य के अंदर उसको काट रहा होता है। और यह खालीपन, जो कि संपूर्ण संसार का हिस्सा होने के बावजूद रहता है, यही सही मायने में अपने से परिचय है, जो होता ही तब है जब मनुष्य अपने को संसार में रहने के बावजूद, सभी संसाधनों सुख समृद्धि पा लेने के बावजूद महसूस करता है। जब भी कभी जीवन में यह खालीपन बढ़ने लगे, उदासी घेर ले, मन संसार से विरक्त होने लगे, समझो कि किसी और ही लोक से बुलावा आने लगा है। अपने अंदर बैठा हुआ अपना असली स्वरूप हिलोरे मारने लगा है। यह शुभ घड़ी है। इसको आध्यात्म की भाषा में वैराग्य कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहला लक्षण किसी भी व्यक्ति का जो अब जागरूक हो रहा है, वह है वैराग्य का उदय। संसार के राग द्वेष रंग तमाशों से मन उच्चाट होने लगता है। विरक्ति की दशा जब पैदा होती है मन में, तब वह खोज पर निकलता है उसकी, जो वह स्वयं है, जो उसके अंदर दीप्त हो रहा है, रोशन हो रहा है, वही धर्म है, उसकी ही तलाश स्वयं में करनी है।